रही है। अगर ये एक बेहतर इंसान बन रहे हैं, इनमें से कोई अब्दुल कलाम बनेगा, इन्हीं में से कोई मोदी बनेगा, इसी में कोई ममता बनेगा, इसी में कोई ताज बनेगा, इसी में से कोई इस देश का अगला नेता बनेगा। इसको लिए माशाल्लाह यहाँ पर 1800 से ज़्यादा बच्चे हैं और माशाल्लाह 400 से ज़्यादा बच्चियाँ हैं, इस चीज़ पे के लिए तैयार हुई कि यहाँ CCTV कैमरा लगना चाहिए। आज माशाल्लाह कैमरा लग गया। और इसके अलावा भी जब भी हम लोगों को किसी काम के लिए सर कहेंगे, हम लोग लबबैक करके इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे। आरजीकर मामले होने के बाद सभी लोग अलर्ट हो चुके हैं सिक्योरिटी को लेकर। इसी कड़ी में वार्ड 43 के सियासी रहनुमा और सामाजिक कारकुन इरफान अली ताज ने कदीम स्कूल मोहम्मद जान हायर सेकेंडरी स्कूल में कई CCTV कैमरे का इंस्टॉलेशन करवाकर सिक्योरिटी के लिए एक बेहतर कदम उठाया है। जहां जोड़ा साकू के MLA विवेक गुप्ता के ताउन से स्कूल के तमाम लोग भी खुश नज़र आ रहे हैं। आइए सभी ने क्या कुछ कहा सुनते हैं। देखिए, ये स्कूल में बहुत सारे 1800 करीब बच्चे पढ़ते हैं। 1800 बच्चे मतलब 3600 माँ बाप जो जब अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं तो निश्चिंत होकर भेजते हैं कि उनके बच्चे यहाँ तालीम के लिए आ रहे हैं, बेहतर इंसान बनने के लिए आ रहे हैं। हम चाहते हैं कि माँ बाप के पूरा चैन का सुकून रहे और स्कूल की तरफ से जो कुछ भी हम लोग कर सकते हैं वो करें ताकि माँ बाप निश्चिंत होकर अपने बच्चों को भेज सके ताकि वो तालीम हासिल करें। और माँ बाप का और बच्चों का तालीम में और तरक्की में दो चीज़ में फोकस रहे। तकलीफ़ का फोकस हम लोग रखेंगे, तकलीफ़ उनको ना हो इसका ध्यान हम लोग रखेंगे, तालीम और तरक्की हो उस पर ध्यान वो लोग रखेंगे। आपने कहा दुर्घटना और हादसा जो है भूल कर नहीं आ रहा है, लेकिन क्या एहतियात बरतना चाहिए, कितनी एहतियात बरतना? जितना एहतियात बरता जाए उतना कम है। देखिए, ऊपर वाले ने ये दुनिया बनाई है, इसमें सुख और दुख दोनों लिखा है। अपने अपने हिस्से का सुख भी इसी दुनिया में भोगना है, अपने अपने हिस्से का दुख और तकलीफ भी इसी दुनिया में भोगना है। हम लोगों को मगर एक बुद्धि दिया एक इंसान ऊपर वाले ने, उस बुद्धि का इस्तेमाल करके जितना दुख को बचाया जा सके, जितना दुख को डिले किया जा सके, हम लोग उसकी तैयारी कर ले। हम लोग ऊपर वाले से ये भी दुआ करेंगे कि हम लोग से कोई गलती हुई हो तो क्षमा करें, हमारे लोगों को कम से कम दुख और तकलीफ ना हो। मगर जिनकी बुरी नज़र है उनको मैं यहाँ से चेतावनी देना चाहता हूँ कि तैयारी भी है और तुम लोग के मंसूबों को भी जन्म न मिले, मंसूबों तक जन्म नहीं हो उसकी भी तैयारी हम लोगों ने कर ली है। स्कूल के मैनेजमेंट को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा, कम हालात में जो इस तरह वो स्कूल चला रहे हैं वो काबिले तारीफ़ है। हम लोग चाहते हैं उनको और भी हालात सब जो भी उनको चाहिए ज़रूरत चाहिए वो सब दे सके, मगर आप जानते हैं क्योंकि ये सरकारी स्कूल है तो एक सरकारी प्रोसेस से सारा काम करना पड़ता है। इसमें थोड़ी देर पहले आपने जैसा सुना टीचर वाला मामला है, मैं कहना चाहूँगा एक राजनीतिक दल कई साल से एक मंसूबा बना रखा। मैंने कहा था अपने भाइयों से कि मैं पॉलिटिक्स की बात नहीं करना चाहता, मैं पॉलिटिक्स नहीं कर रहा हूँ, मगर एक राजनीतिक दल ने ये बीड़ा उठाया है कि वो बंगाल को तरक्की नहीं करने दे। ममता बनर्जी शांति और तरक्की के लिए खड़ी है और वो राजनीतिक दल में नाम लेने से उनको थोड़ा सा कुछ इज्जत मिल जाएगी, मैं नाम भी नहीं लेना चाहता, वो शांति और तरक्की के खिलाफ खड़ी। आज इस स्कूल में टीचर की बहाली होती है उसके खिलाफ हाईकोर्ट में जाकर एक तो रिट दायर कर देते हैं। अच्छा, हाईकोर्ट भी क्या करे, हाईकोर्ट में जो जज बैठे हुए हैं उसको तो दोनों एक मामले का दोनों पक्ष सुनना पड़ता तभी वो फैसला दे सकते, उसमें समय लग जाता है, मगर नुकसान बच्चों का, नुकसान स्कूल का, नुकसान पूरे समुदाय का, उर्दू मीडियम स्कूल्स का, हिंदी मीडियम स्कूल्स का, सबका हो रहा है। आज करीब करीब 15,000 टीचर की बहाली का परमिशन मिला हाईकोर्ट से, इतने सालों बाद 7 साल बाद वो फैसला आया, उसके खिलाफ फिर ये लोग सुप्रीम कोर्ट चले जाएं। तो अगर आप ममता बनर्जी से राजनीतिक जो लड़ना लड़िए, अभिषेक बनर्जी से जो राजनीतिक लड़ाई लड़ना लड़िए, इन गरीब बच्चों से, इन मासूम बच्चों से क्या लड़ाई है? अगर इनको तालीम मिल रही है, अगर ये एक बेहतर इंसान बन रहे हैं, इनमें से कोई अब्दुल कलाम बनेगा, इन्हीं में से कोई मोदी बनेगा, इसी में कोई ममता बनेगा, इसी में कोई ताज बनेगा, इसी में से कोई इस देश का अगला नेता बनेगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, रॉकेट साइंटिस्ट बनेगा, इनके तालीम में अड़चन मत डालिए। ये देश का भविष्य है, देश के भविष्य के साथ अगर आपने छेड़छाड़ किया तो ये देश कभी आपको माफ़ नहीं करेगा। इरफान अली ताज सिर्फ एक इंसान, सोशल वर्कर, जितने नामों से हम बुलाएं उतना कम है। इसका दिल धड़कता है इस इलाके के लिए, ये आज चाहे तो आज ये कहीं भी जाके कहीं भी काम वाम भी कर सकता है, सब कुछ कर सकता है, मगर इसका दिल धड़कता है इस इलाके के लिए, इस इलाके के लोगों के लिए। मैं इस स्कूल में पढ़ा नहीं हूँ, बट मेरी परवरिश इस स्कूल में हुई है, क्योंकि मैं ये है 9 नंबर बुलाइदा स्ट्रीट, मेरा घर हुआ करता था 7 नंबर बुलाइदा स्ट्रीट में। तो शाम को जब स्कूल से आने के बाद हम लोग यहीं पर खेला कूदा करते थे, यहीं पे हम लोग इस स्कूल के मतलब बोलते ना कि साये में हम लोग पले बढ़े। तो और क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी वाइफ इस वार्ड की काउंसलर है, तो हम लोगों की जिम्मेदारी है कि हम लोग अपने वार्ड के स्कूल को के लिए जो बेहतरी हो
वो हम लोग करें। माशाल्लाह इसमें हम लोगों को हमारे प्रिंसिपल साहब का, हमारे जितने भी यहाँ पे टीचिंग स्टाफ हैं, गवर्निंग बॉडी के जो प्रेसिडेंट हैं मेरे दोस्त हाजी शाहनवाज, सबका साथ मिलता है, इसलिए हम लोग कर पाते हैं। आज भी जो काम हम लोगों ने यहाँ पे किया है, सर का यहाँ मैनेजिंग कमेटी से हम लोगों को चिट्ठी दिया गया, माशाल्लाह मेरे MLA साहब ने हाँ कहा, इसी तरह आज भी अभी तौकीर सर ऊपर ले जाके हम लोग को दिखाए हैं कि जो हम लोगों का कंप्यूटर रूम है उसमें AC नहीं, तो तौकीर सर ने एक AC का डिमांड किया था, मेरे MLA ने कहा कि नहीं विवेक गुप्ता जी ने 2 AC देंगे, बाई चांस एक ख़राब हो गया दूसरा तो चलेगा। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह आए थे कैमरा लगाने के लिए, AC भी दे करके गए हैं। हम लोग ऐसे MLA की दरकार है जो लोगों के साथ हर वक्त सुख और दुख में खड़ा रहे और ऐसा काम करे जिससे सबका फ़ायदा हो। आज ये CCTV कैमरा यहाँ पर लगा, इसके लगने की वजह से अल्लाह ना करे खुदा ना खास्ता कभी फ्यूचर में कभी कोई मामला पेश आया या अगर कोई किसी गलत बद नज़र गलत काम करने के लिए यहाँ पर आएगा भी, तो इतना CCTV इतना कैमरा को देख करके उसकी हिम्मत नहीं होगी। कुल कितने कैमरे यहाँ पर? पहले से पुराना 16 कैमरा हम लोगों का लगा हुआ था जी, पुराना था ये, बट हम लोगों को लगा नहीं कि हर एक क्लासरूम को हर एक कॉरिडोर को हम लोग को सर्वेलेंस करना चाहिए। सर लोग की इजाज़त मिली, गवर्निंग बॉडी की इजाज़त मिली, तो हम लोगों ने आज यहाँ पे इंस्टॉल किया है। और देख रहे हैं जो TV है ये भी हमारे गुप्ता जी, विवेक गुप्ता जी की तरफ से भी स्पॉन्सर्ड है, और भी जितना भी कैमरा लगा है उसमें सब में उनका भी था जी, बहुत ज़रूरी है जी। कोशिश हम लोगों ने की है और आज हम लोग सब मिलजुल करके कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए माशाल्लाह मोहम्मद जान स्कूल आज देखिए यहाँ पे बच्चे ज़्यादा पढ़ने के लिए आ रहे हैं, यहाँ पे एडमिशन के लिए आ रहे हैं, वरना और भी बहुत कुछ स्कूलें हैं जहाँ मतलब बच्चे कम होते जा रहे हैं दिन ब दिन। अल्लाह का शुक्रिया अदा करेंगे और दुआ निकलेगा हेड मास्टर साहब के लिए, हम लोग यहाँ पे जितने भी सर लोग हैं जो लोग पढ़ा रहे बच्चों की अच्छी तालीम दे रहे हैं, इसीलिए माँ बाप भरोसा कर करके मोहम्मद जान स्कूल की तरफ आगे बढ़ तक स्कूल चलाने की जिम्मेदारी है। बहुत हद तक जो है मैनेजिंग कमेटी और हेड मास्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं और उसमें खसूसी तौर पर स्टाफ हमारे असजा कराम उनका अगर तआउन रहे तो स्कूल को चलाना कोई मुश्किल काम नहीं है। ये ट्रेंगुलर एक तरीके से सिस्टम है, मैनेजिंग कमेटी स्टाफ गार्जियंस और बच्चे सब मिलजुल करके अगर कोशिश करें तो स्कूल अच्छा चल सकता है। ये जिम्मेदारी सबसे ज़्यादा जो है मैनेजिंग कमेटी के साथ साथ हेडमास्टर की होती है कि अगर वो पंक्चुअल है, अगर वो डिसिप्लिन में है, अगर अपने फ़राइज़ को सही से अंजाम दे रहा है, तो इसमें दो राय नहीं कि वो स्कूल जो है तरक्की करेगा और कभी सीख नहीं होगा। एक बड़ा रोल होता है बच्चों की तरबियत में, समाज की तरबियत में, मुल्क की तरबियत में, क्योंकि यही बच्चे जो है आज जो हमारे साथ हैं हमारे स्कूल में हैं वो कल के लीडर बनेंगे, कल के ब्यूरोक्रेट बनेंगे, समाज के मुख्तलिफ हिस्सों में जाएंगे। तो ये कहना हम नहीं कहेंगे कि बिल्कुल सही है कि टीचर असाजा कराम या स्कूल ही ज़िम्मेदार है ये अफरा तफरी के लिए, समाज के बदमनी के लिए, ऐसी बात नहीं है, लेकिन असाजा कराम की भी जिम्मेदारी कुछ ज़्यादा है कि हम बच्चों को किस तरीके से पढ़ाएं, कैसे तरबियत दें, वो लेसन के साथ साथ जो है सब्जेक्ट के साथ साथ जो है बच्चों को बहुत सारे अदाब की भी ज़रूरत होती है, तहजीब की भी ज़रूरत होती है।